राजधानी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 500 से अधिक युवक युवतियों ने मंच पर अपना परिचय दिया। युवा ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि विद्याधर नगर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ और सम्मेलन पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया और शादी के जोड़े तय होने के बाद जल्द ही सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के इस वैज्ञानिक और दौड़ धूप के युग में व्यक्ति सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है, रात को 11-12 बजे वापस घर पे आता है। उसको लड़के लड़कियों की शादी करने में मानसिक चिंता रहती है, इसलिए ब्राह्मण महासभा ने ये सोचा कि एक दिन छुट्टी के दिन परिचय सम्मेलन रख दिया जाए, ताकि योग्य युवतियाँ अपने आप जोड़ों का चयन कर लेंगे। उसे खर्चा भी बचेगा, सामूहिक शादियाँ भी होगी और समाज हित में भी मामला होगा। कहूँगा कि राजस्थान में ही पूरे में, जिसमें सभी वर्ग के खंडेलवार, गुजरगोड़, गोड़, पारीक, सभी दादी, सभी वर्ग के सभी बच्चे हमारे युवक युवतियाँ पधारे, पूरे राजस्थान में ऐसा पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर 400 युवक और 350 युवतियाँ ने भाग लिया। और आज ऐसा प्रोग्राम हुआ कि जिसके अंदर जोड़े, समकक्ष जोड़े मिलते जा रहे हैं, आपस में उनकी वातावरण का ऐसा रहा कि आपस में वहीं रिश्ते तय होते जा रहे हैं। आज का अभी जो प्रोग्राम रहा, आज पूरे राजस्थान ब्राह्मण महासभा के इस पूरे प्रोग्राम में हमने जो कार्य किया, उसमें पहला ऐसा प्रोग्राम रहा कि खंडेलवाल का गोड़ के साथ रिश्ता हो रहा है और पारिक का दादीज के साथ रिश्ता।